नमस्कार दोस्तों, बड़ी खुशखबरी यूएई से निकल कर आ रही है। इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों आपको बता दें, लगातार यहां पर इंडिया से यूएई के लिए जो उड़ाने हैं उनको बंद करने को लेकर खबरें निकल कर आ रही थी, पर यहां पर बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे, यूएई अब यहाँ पर इंडियंस को अलाउ कर रहा है आने के लिए। इंडियंस के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के लोग भी जो है यूएई के लिए यात्रा कर सकते हैं। पहले केवल गोल्डन वीज़ा धारक ही यहाँ पर यात्रा कर सकते थे, पर यहाँ पर अब जिनके पास सिल्वर रेसिडेंसी परमिट है वो लोग भी जो है इंडिया से यात्रा कर सकते हैं यूएई के लिए। साथ ही आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, इंडिया के साथ साथ जितने भी लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के हैं और उनके पास अगर यूएई का सिल्वर रेसिडेंसी परमिट है तो वो लोग वहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यहाँ पर बता दिया है, ये चीज़ों को क्लियर कर दिया है। वहीं जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये बताया है कि जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे उनको ट्रैकिंग डिवाइस से मॉनिटर किया जाएगा। उनको रिस्ट बैंड जो है 10 दिन तक पहनना पड़ेगा, जिसमें कि उनकी ट्रैकिंग की जाएगी कि जो नियम का पालन है, जो क्वारंटीन का पालन है वो किया जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल के साथ जो है अब सिल्वर परमिट वाले भी जो 16 जून से है अपनी यात्रा यूएई के लिए कर सकते हैं। तो यह है बड़ी खुशखबरी, कैसे लगी आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपका कुछ भी सवाल, सुझाव या सजेशन होता है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, में हूँ आपका दोस्त नायक। मतलब नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ, टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।